पेंतिकोस पर्व है। पेंतिकोस पर्व की गिरजा रात में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज की आराधना परमेश्वर के पवित्र वचन के आह्वान के साथ हम लोग आरंभ करेंगे। आह्वान वचन भजन संहिता 130 उसके प्रथम दो पद। भजन संहिता 130 एक और दो पद। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। यहां तक आमीन। हम लोग पूरी मंडली मिलकर आराधना का पहला गीत हम लोग गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 79। हे पावन आत्मा, उतर कर हमारे हृदय डेरा कर। सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता,
हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। दासत्व का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा पाया है, जिससे हम हे अब्बा अर्थात हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के संग साक्षी देता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। आप सबों के संग हो। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांति दाता और सहायक, हम पापी लोग तेरी विनती करते हैं कि हमों में अपना वास स्थान तैयार कर, हमारे मनों को शुद्ध और उज्यालामय कर, कि ख्रीष्ट के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जाएं, प्रेम में सच्चे और दुख में धीरजवान रहे, हर समय तेरी अगुवाई के अनुसार चले और पुत्र के साथ एक ही सच्चा ईश्वर जीता और राज करता है। आमीन। समय पंजिका के अनुसार ठहराया गया सुसमाचार वचन सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 से 21। यूहन्ना 14 15 से 21। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यहाँ तक
आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। समस्त क्रिश्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यो कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस प्लातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग इस समय आराधना के लगातार में दूसरे गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 82। हे धन्य आत्मा उतर आ, तू ज्योत और शांति हम पास ला। से अनुग्रह और शांति बहुत आज से मिले। हम प्रार्थना करें।
हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष दिन में जिसमें तूने हम सबों के लिए पहुंचाया है कि हम प्रभु आज के इस दिन में हम तेरे निकट आए, तेरी स्तुति और महिमा करें और तेरे वचन पर हम ध्यान करें। तो आप इस घड़ी अपने वचन के द्वारा तो हम सबों से बातें कर और अपनी बातों को तो हम पर प्रकट कर, ताकि प्रभु परमेश्वर हम तेरे वचन के द्वारा तेरी बातों को हम देख सके, समझ सके और उसे अपने लिए ग्रहण कर सके और उसके अनुरूप हम चल सके। हमारे सारे दुर्बलताओं को दूर कर दे, हमारे सारे प्रभु सारे पापों को क्षमा कर दे। क्रिस्ट ईसु के नाम में हमारी विनती सुन और ग्रहण कर, आमीन। क्रिस्ट में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज एक विशेष दिन में हम आप पहुंचे हैं। पेंटिकोस्ट का यह दिन है जिसे हम एक पर्व के रूप में मानते हैं और निश्चय ही यह एक विशेष स्थान रखता है हम सबों के जीवन में। और यह दिन है प्रियो जो कि क्रिस्ट के जीवने अर्थात उस पुनरुत्थान के बाद यह 50वां दिन है और जो नाम इसका दिया गया है पेंटिकोस्ट। और यह दिन भी प्रियो 50 की संख्या की ओर इंगित करता है, यह नाम भी 50 संख्या को दर्शाता है। और यह जो यूनानी में इसे पेंटिकोस्ट कहा जाता है। और हम इस बात को देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर अपने समय का बिल्कुल पक्का है और वह अपने काम को अपने समय के साथ वह करता है और उसे वह पूरा करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जो क्रूस बलिदान हुआ वह फसा के समय हुआ, फसा के समय हुआ। जैसे कि फसा का मेमना जो कि यीशु मसीह को दर्शाता था, और ठीक फसा के पर्व के समय ही प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान हुआ। और आज का दिन भी प्रियो यदि हम देखें तो उस पुनरुत्थान के 50 दिन के बाद, ईस्टर के 50 दिन के बाद यह दिन आता है पेंटिकोस्ट का दिन। और इस दिन को यहूदी युगों से मानते आ रहे थे, सालों से मानते आ रहे थे। और जबकि वो मिस्र देश से निकले थे और उसके बाद लगभग 50 दिन के अंतराल में वे सिनाई नामक स्थान पहुंचते हैं और वहां पर परमेश्वर उनको तोराह देता है, जैसा उनका विश्वास है कि परमेश्वर उनको तोराह देता है, 5 पुस्तकें जो मूसा के आरंभ की 5 पुस्तकें हैं और जिसे ईश्वर का कानून के रूप में वे स्वीकार करते हैं, लॉ ऑफ गॉड। और यह निश्चय विशेष दिन उनके लिए ठहरता है और सालों साल वे इस दिन को विशेष रूप से याद करते हैं और उसे वे सेलिब्रेट करते हैं। आज भी अगर हम लोग देखें तो आज भी यहूदी इस दिन को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं वे सबाउट के रूप में इसे उच्चारण करते हैं, SHAUAVUOT सबाउट। और इसमें वे अपने सिनेगोग, अपने घरों को, अपने सिनेगोग को सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। और सिनेगोग जो उनका धर्म का आराधनालय है जहाँ वे इकट्ठे होते हैं, उसको ग्रीनरी से और फल फ्रूटों से वे सजाते हैं
और इस तरह से प्रियो हम देखते हैं कि वो इस दिन को एक कटनी के पर्व के रूप में भी याद करते हैं। और वे सबाउट नाइट वॉच करके कहते हैं, जिसे वो लोग अपने हिब्रू भाषा में टिकुन लेल सबाउट अर्थात द सबाउट नाइट वॉच के रूप में वो लोग ऑब्जर्व करता था। तो ये इस समय में सारी रात वे ईश्वर के वचन पर, उस तोरह पर ध्यान करते हैं, जिसे आज हम लोग पुराने नियम कहते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं पूरी रात भर। और वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसका ज्ञान उन पर प्रकट हो, द विष्टम और तोरह जो है उन पर रिवील हो। तो इस तरह से प्रियो वे ऐसा करते हैं। और हम लोग जब मसीह विश्वास में आते हैं, तो मसीह विश्वास में हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि पिता की वह प्रतिज्ञा पूरी ना हो ले, उसकी बाट जोहते रहना, अर्थात कि पवित्र आत्मा जो पिता ने प्रतिज्ञा की है कि वो तुम्हें देगा, उस समय का इंतजार करना। और प्रियो हम लोग देखते ही यीशु मसीह कहते हैं, तुमने यूहन्ना का बपतिस्मा पानी का जो पाया है, अब तुम पवित्र आत्मा से और आग से वह बपतिस्मा पाओगे, अर्थात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुमको दिया जाएगा। और इस बात पर वे पूरा विश्वास और भरोसा रखते हैं। और लगभग 120 की संख्या में हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस यरूशलेम में उपरोठी कोठरी में वे प्रार्थना करते हैं, और एक चित एक मन होकर वो प्रार्थना करते हैं, जिसमें 120 लोग थे, जिसमें कि यीशु मसीह के 11 प्रेरित और यीशु की माता मरियम भी उस 120 की संख्या में शामिल थी। और इस तरह से प्रियो भी लव लगाकर प्रार्थना करते हैं, और उसका उस पवित्र आत्मा को पाने का भी इंतजार करते हैं। और ठीक पेंतिकोस का जब दिन आता है, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरता है। हम लोग देखते हैं कि बड़ी आंधी की से सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है, और आग की सी जीवे दिखाई देती है जो एक एक पर ठहर जाती है, और वे सामर्थ से भर जाते हैं। उस सामर्थ से भर करके वो प्रियो वे हम देखते हैं कि अलग अलग भाषा बोलने लगते हैं। एक समय था पुराने नियम में, जबकि हम देखते हैं कि बाबुल का वो स्थान जहां की भाषा अलग अलग दी गई, लेकिन यहां पर जरूर अलग अलग भाषा उनको दिया जा रहा है, लेकिन ये पवित्र भाषा है, ये अलग भाषा है। जैसे सपन्या में जो कहा गया, सपन्या 3 का 9 में कहता है, मैं तुम्हें एक शुद्ध भाषा दूंगा, परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि यशया की पुस्तक में भी, यशया 28 का 11 में भी कहता है, मैं विदेशी भाषा विदेशी होठ से तुझसे बातें करूंगा। और इस तरह से प्रियो हम देखते हैं कि वे ईश्वर की सामर्थ से भर जाते हैं, और वे इस तरह से अन्य अन्य भाषा उनके मुख से निकलने लगता है। और वहां जितने लोग थे जो पर्व मनाने आए थे, यहूदी लोग जो उस पर्व को मनाने के लिए आए हुए थे, वे इसको सुनकर वे अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे भाषा भाषी के लोग उपस्थित थे, और उनको सब कुछ सुनाई देता है कि ये तो हमारी भाषा में वे बातें कर रहे हैं, हमारी भाषा में बोल रहे हैं, और परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। प्रियो सचमुच में यह ईश्वर का एक संकेत यहां पर देख सकते हैं, जहां की परमेश्वर सब जाति के लोग को सुसमाचार सुनाने के आगे देता है। यीशु मसीह ने उनसे पहले ही इस बात को कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया
और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और इस तरह से प्रियो सचमुच में हम देखते हैं कि यह पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है ताकि वे उस बात की गवाही दे सके जो यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए किया है। प्रियो आज हम लोग इस एक सवाल हम कर सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर उद्धार का काम पूरा किया तो फिर इस दिन की क्या आवश्यकता पड़ी, पवित्र आत्मा की क्या आवश्यकता पड़ी। इससे उसका उत्तर जब हम वचन में ध्यान करते तो हमें मिलता है कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया है उस बात का ज्ञान देने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के बिना हम उसको नहीं जान सकते हैं प्रियो, उसकी उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसा कि यीशु मसीह ने जो उद्धार को पूरा किया उसका अनुभव कराने वाला स्वयं पवित्र आत्मा है। और जब हम क्रूस की कथा को सुनते हैं तो हमारे अंदर सच्चा पश्चाताप को उत्पन्न करने वाला पवित्र आत्मा ही है। पवित्र आत्मा के बिना कोई पश्चाताप भी नहीं कर सकता है। और वचन इस बात को बतलाता है प्रियो कि पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर सच्चा पश्चाताप को उत्पन्न करता है। यीशु मसीह ने कहा वह पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें पाप के प्रति निरुत्तर करेगा, धार्मिकता के प्रति वह तुम्हें निरुत्तर करेगा और सच्ची धार्मिकता तुम्हें देगा। आज हम सचमुच में आज के दिन में जो हम लोग पहुंचे हैं प्रियो, यह दिन बहुत ही विशेष दिन है जबकि हम कह सकते हैं कि प्रभु का कार्य पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही आगे बढ़ता है। जब चेले पवित्र आत्मा को से भर जाते हैं और लोग कहते हैं कि ये तो नहीं मदिरा के नशे में है और नशा के कारण से ये लोग बकबक कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से भर करके पत्रस उनको उपदेश देता है। पत्रस उनसे उनको प्रचार करता है और बताता है कि यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान जो हुआ है और उसका जी उठना हुआ है वो सब मानव जाति के लिए हुआ है। और आज हम लोग प्रियो इस दिन में सचमुच में हम लोग आज उस समय को हम लोग ध्यान करें और इन बातों को ध्यान करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए पूरा किया है। आज हमसे पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। हम लोग देखते हैं कि आज पवित्र आत्मा कैसे मनुष्य को दिया जाता है, पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। हम लोग जानते हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा अर्थात स्वयं परमेश्वर है और जो कि हमें दिया जाता है वह पवित्र आत्मा जो हमें दिया जाता है वो परमेश्वर है, उसे दान के रूप में दिया जाता है। और आज हम अपने मनों को तैयार करें कि हम उस दान को हम ईश्वर से ग्रहण करें, उस दान को हम अपने में मांगे कि परमेश्वर उस दान को हमें दे कि हम उससे परिपूर्ण हो। और वचन कहता है कि परमेश्वर का यह दान है जो कि गलाती 3 में हम लोग पढ़ते हैं, अंतिम पैराग्राफ में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए श्रापित बना, वह हमारे श्राप को अपने ऊपर लिया ताकि हम आशीष के भागी बने। और वह आशीष विशेष रूप से कहा जाता है कि वह प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, वह उधार की प्रतिज्ञा जिसके द्वारा हम लोग उस दान को प्राप्त करें, उस पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करें। आज सचमुच प्रियो परमेश्वर का वचन बताता है 1 कुरिन्थ 12 अध्याय में, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय में, जहां ईश्वर उसे दान के रूप में हमें अलग अलग दान के रूप में हमें देता है। आज उस दान की हर एक आवश्यकता है प्रियो, जिससे कि हम प्रभु के सच्चे गवाह ठहर सके, प्रभु की गवाही दे सके ताकि प्रभु का वचन हर एक तक पहुंचे। आज पवित्र आत्मा
के द्वारा हमें क्या मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रियो हमें वह दान मिलता है और साथ में प्रियो वह फल जो पवित्र आत्मा का है वह भी एक ही के लिए आवश्यक है ताकि हम मसीह के स्वभाव को अपने जीवन से प्रकट कर सके। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट कर सके, उसके प्रेम को, उसकी क्षमाशीलता को, उसके मेल मिलाप को, जैसा गलाती 5:22-23 में हम लोग पढ़ते हैं कि जो आत्मा का फल है वो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये जो 9 फल है ये पवित्र आत्मा के फल हैं जो आज मसीह में वो दिखाई देने की आवश्यकता है। आज निश्चय ही बलिदान की आवश्यकता है ताकि जगत जाने कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वही सच्चा ईश्वर है और उसके साथ ही फल के द्वारा यह बात प्रकट हो कि सच में हम मसीह के चेले हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम आपस में प्रेम रखोगे इसी सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज भी सचमुच में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का असल स्वभाव तो स्वार्थी होता है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के दान को अपने जीवन में काम करने देते हैं तो हम हमारे अंदर वो प्रेम आता है, दूसरों के प्रति प्रेम आता है, दूसरों को हम प्रेम करते, अपने अपराधियों को हम क्षमा करते हैं और यह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही संभव है प्रियो। और आज हम लोग सभी चर्चा कर रहे हैं कि ये सारी घटना किस ओर संकेत कर रही है, आज जो दुनिया में घटना घट रही है महामारी है और जगह जगह भूकंप हो रहे हैं, ज्वालामुखी फूट रहा है, समुद्र के गर्जन हो रहे हैं, ये सब किस ओर संकेत कर रहे हैं। निश्चय हम लोग प्रभु के आने की आहट को सुन रहे हैं। आज हम लोग को तैयार रहना है प्रियो। आज सचमुच पवित्र आत्मा ही वह है जो हमें पवित्र करता है, पवित्र आत्मा ही हमें ख्रिस्त के आने के लिए तैयार करता है, उसके स्वागत के लिए हमें तैयार करता है। आज हम बुद्धिमान उन कुंवारियों के नाई अपने आप को उस आत्मा के तेल से हम भर ले, अपने शरीर रूपी कुप्पी को हम उस तेल से भर ले प्रियो, ताकि हम उसके आगमन में हम तैयार पाया जाए। निश्चय ही प्रियो आइए हम इस समय में आज के इस पेंटिकोस के दिन में हम लोग देखें कि परमेश्वर कैसा अपने काम को अपने समय से पूरा कर देता है, वैसे ही उसका आना भी जो समय उसने ठहरा उसे पूरा होगा। वो समय एक भेद जरूर है लेकिन वो संकेत प्रभु ने दिए हैं ताकि हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम सभी जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मांगे। यीशु मसीह कहते हैं लूका 11:13 में कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो वह अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आज हमें प्रभु से मांगने की आवश्यकता है, प्रभु से पवित्र आत्मा मांगने की आवश्यकता है ताकि वह हमें उससे परिपूर्ण करे। प्रभु तो कहते हैं कि वह अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा। आज हम बचपन से एक वचन को जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन क्या प्रियो इस वचन के आधार पर, इस प्रतिज्ञा के आधार पर हम अब तक हमने क्या मांगा है, क्या इस आधार पर हमने पवित्र आत्मा मांगा है। जिस तरह चेले 10 दिन तक लगातार एक चीत होकर प्रार्थना कर रहे थे, उधर ध्यान लगाए हुए थे, संसार से अपना ध्यान फेर कर उस ओर ध्यान लगाकर वो मांग रहे थे जिससे कहा गया था कि वो पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाएगा। आज हमें भी निश्चित नहीं रहना है लेकिन हम उस चेलों की तरह हमें भी नाव लगाकर उसके लिए प्रार्थना करना है कि वह पवित्र आत्मा हम पर उतरे और हम सामर्थ पाए जिससे कि हम प्रभु के सच्चे गवाह बने और हमारे जीवन से प्रभु की गवाही आगे बढ़े, बहुत सारे लोग हमारे जीवन से बचाए जाए। हमारी प्रार्थना इसी बात विषय पर हो प्रियो कि हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए संसार में हो और हम प्रभु की जो बुलाहट है उसे हम पूरा करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं
सच में तेरे तमाम आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए जो तूने हमें दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, तो आप ही अनुग्रह करे प्रभु परमेश्वर कि हम सब प्रभु उस आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और तेरे सच्चे गवाह ठहरे और हमारे द्वार से वो गवाही प्रभु पृथ्वी के छोर तक पहुंच सके। हाँ पिता परमेश्वर, तो ऐसा अनुग्रह कर तेरे सामर्थ्य हाथ में हम एक एक को सौंपते हैं। तेरी आशीष हर एक अधिकार से मिले, हमारी प्रार्थना विनती मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे क्रिस्ट यीशु हमारे के मन की रक्षा करेंगे अब से सदा, आमीन। आराधना के लगातार में हम लोग तीसरी गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 85। परम पिता तू हमारी सदा अगुवाई कर। सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे,
जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल CRC और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसे में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेतीबाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में तेरी बुलाहट में होकर के विदा हुए, हम उनके लिए तुझको धन्यवाद करते हैं। पिता, तूने उन सबों को पूरे जीवन भर अगुवाई किया, संभाला और तूने उनको चलाया और प्रभु उनके समय के पूर्णता में तूने उनको अपनी बुलाहट में शामिल किया और वे लोग तेरी बुलाहट को अपने जीवन में स्वीकार करके उस पुनरुत्थान की आशा में वे विदा हो गए। प्रभु, हम उनके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जितने शोकित परिवार हैं और उनके मित्रगण हैं, हम उन सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनके बीच में तू अपनी पवित्र उपस्थिति को दे, अपनी शांति की आत्मा को उनके बीच में तू भेज, ताकि प्यारे पिता उनका शोकित मन तेरी शांति से भर जाए। और प्रार्थना करते हैं उन परिवारों में जो क्षति हुई है, प्रभु हर एक क्षति को, हर एक परिस्थिति को प्रभु तू संभाल और उनके बीच में उचित व्यवस्था तू कर। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग, जितने भाई बहन कोरोना से, कोरोना महामारी से, बीमारी से चंगाई पाए हैं, हम उनके लिए तुझको हृदय से लाखों धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तेरी बड़ी दया उनके जीवन में हुआ, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में हुआ। प्रभु, तूने उन सबों को विकट परिस्थिति में चंगाई प्रदान किया, तूने उनको हताश, निराश और उदास होने नहीं दिया, लेकिन प्रभु तूने अपना चंगाई वाला हाथ को बढ़ाया और उनको चंगाई दिया। प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबों के जीवन से तू अपनी महिमा को प्रकट कर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने लोग कोरोना एवं अन्य बीमारी में पड़े हैं, घर में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, प्रभु सबों पर अपनी दृष्टि तू दे। हम उन समयों को याद करते हैं जब तू इस संसार में था, बहुत सारे लोग अपनी बीमारी को लेकर के तेरे सम्मुख आते थे, वे चाहते थे कि तेरी दया और आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। और सचमुच में प्रभु, हम इस बात को पाते हैं कि उन्होंने तेरी दया को अपने जीवन में पाया और प्रभु तूने किसी को खाली हाथ लौटने नहीं दिया, वरन सबों के जीवन में खुशी को दिया। पिता, आज वही खुशी हर एक लोगों के जीवन में चाहते हैं। हम सभी बीमारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं,
प्यारे पिता उसी खुशी को तो ले आ, सबों के जीवन को तू स्वस्थ कर, सभी बीमारी में पड़े लोगों को तू स्वस्थ कर, कोरोना महामारी से तू सबों के जीवन को बचा प्रभु, और सबों को अपनी छत्र छाया में तू रख, अपने लहू के बाड़े में छुपा के रख प्रभु, ताकि सभी लोग बचाए जाएंगे और सब लोग एक मन एक चित होकर के कलेशा के अन्य भाई बहनों के साथ मिल करके तुझको धन्यवाद देने पाएंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय जब बड़ी विपत्ति हम सबों के जीवन में है, प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दे हर एक परिवारों में आवश्यक वस्तुओं की कमी ना होने पाए, वरन प्रभु तू अपनी उपस्थिति को दे और सबों को अगुवाई कर कि हर व्यक्ति अपने आवश्यक वस्तुओं को तेरी अगुवाई में होकर के इंतजाम करने पाए, और सारी बातों के लिए तुझको धन्यवाद स्तुति महिमा और प्रशंसा देने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु सरकार के द्वारा से जो सुझाव हम सबों को दिए गए हैं होने दे कि उसका अच्छा प्रतिफल हम सबों को मिले और हम लोग जीवन में आगे बढ़ने सकेंगे। पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन गिरजा में लोग जहां कहीं जिस रूप में इकट्ठे होकर के गिरजा आराधना में शामिल हैं उन सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण कर सबों को अगुवाई दे कि सब लोग तेरी संगति में आगे बढ़ सके, तेरी आशीषों को अधिक से अधिक अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। और प्रभु हम सिर निदान के लिए प्रार्थना करते हैं, तूने सबों के जीवन में अद्भुत आशीषों को दिया है, भरपूरे का जीवन दिया है, आत्मिक उन्नति का जीवन दिया है, और सब लोग अपनी बनमुटी खोल करके तुझको अपने हृदय का भेंट अर्पित करते हैं। प्रभु सारे दान दाताओं के मनों को ग्रहण कर और सबों को स्वर्गीय आशीष से बहुतायत से प्रदान कर, और प्रार्थना करते हैं इन दानों पर तो अपने स्वर्गीय आशीष से उंडेल दे ताकि यह दान तेरी कलिश्य की बढ़ती में इस्तेमाल किया जाए, ताकि तेरी कलिश्य बड़े फले और फूले और तुझको ही महिमा मिलने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलिश्य के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य कतराने ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर, हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महातम सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद अब विश्वास से दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देव तक रक्षा करे, परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे, तुझ पर अनुग्रह करे, परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। Uh-huh.
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। Thank you.